अब ये जी बताए, जब ये अपना देश है, अपन ने चाहे काले अंग्रेजों को खुद चुना हो, लेकिन वो जी हमारे चुने हुए लोग तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो है ही है। तो हमें अपने चुने हुए लोगों से हमारा बातचीत करने का, हमें उनको अपनी बात मनवाने के तरीके अलग होना चाहिए। और जी। मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा, जो मुझे लगता है कि जो चीज अपन को करना चाहिए, वो जी हम कैसे अपनी YouTube चैनल को करोड़ों में तत्काल पहुंचाएं। जी जी जैसे जी ही वो करोड़ों में पहुंचती है, तो जी हम लोग जो है आसानी से छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी कोरोना के समय सिखाई हैं। हम लोग जो जी है दीपक जला सकते हैं, थाली बजा सकते हैं, राइट। हम जो जी है उस दौरान, चाहे मोबाइल से हो, टीवी से हो, प्रोजेक्टर से हो, जी जो एड्रेस है वो एड्रेस दिखा सकते हैं, राइट। जी 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 जब जी जी यदि 1 करोड़ या उससे अधिक लोग यदि ऐसा करेंगे, तो उसे जी जो है काले अंग्रेज, बहरे और अंधे भी होंगे, तो भी वो देखने के लिए और सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और फिर जी जी हमारी अपोजिशन की तरीका भी अलग होना चाहिए। जी 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 जैसे जो जी डी कंपनी और टुकड़े टुकड़े गैंग और इंडिया डिवाइसिंग फोर्सेस हैं, वो जी तोड़ फोड़ और बदमाशी की बातें करते हैं। हमारा जी कहना है कि हम जहां पे भी हैं 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे। जी 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 जापान में जी इसी तरह से विरोध होता है, वो क्या करते हैं, काली पट्टी जी बांधते हैं, काला फ्लैग लगाते हैं और 2 घंटे जी ज्यादा काम करते हैं। तो जी यदि जी हम जी 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे तो हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारा उल्टा नहीं होगा। जापान में कभी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाता है, वो नहीं करता है, राइट। तो कैसे क्राइम फ्री भारत की 5 स्ट्रेटेजी काम करें, कैसे जो है क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल जमीन पर उतारा जाए, कैसे जो अपना आयुष मॉडल जमीन पर उतारा जाए, कैसे ई कॉमर्स मॉडल उतारा जाए, और हम केवल केमिकल फ्री, हार्मोन्स फ्री, नेगेटिव जो है केमिकल मॉलिक्यूल फ्री भारत के साथ साथ जो है हम अपनी मिट्टी को यूरिन से, गाय के गोबर से, माइक्रोब से, ठीक है ना, जहां एक और हम जो है गोबर गैस और CNG भी बना पाएंगे, वहीं पे हम एथेनॉल भी बना पाएंगे, हम सोलर एनर्जी भी बना पाएंगे और वाटर की हाइड्रोलिसिस करके हम हाइड्रोजन भी बना पाएंगे, क्योंकि हमें बड़ी संख्या में एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। एक तो हमें जो है एक्वा कल्चर के लिए खेतों के चारों तरफ 10 फीट 11 ट्रंच खोदना है, वही अपने पूरे भारत वर्ष को खोदने जैसी बात होगी वो, ठीक है ना। उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। और यदि हम ऐसा कर सके तो हम देश में POL बाहर से मंगाने की स्थिति खत्म कर सकते हैं, जीरो पे आ सकते हैं। कितना रिसोर्स बचेगा। और इसके बाद जो एग्रीकल्चर जो है उसको हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और अपनी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी, जिस तरीके से अपन देश में कह रहे हैं कि रिटेलर और होलसेलर, ऐसे ही अपन वहां पे CFB आउटलेट टाइप का बना के वी कैन सेल इट एट द रेट ऑफ, यदि आप अमृत बेच रहे हो तो अमृत के भाव से बेच पाओगे, तो देश में समृद्धि फ्लो करना होगी। हमें जो है अपने जीवन में दिनचर्या के साथ साथ योगा, मेडिटेशन, इसके साथ साथ ना केवल इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी का हम उपचार करेंगे, बल्कि हम जो है बड़ी संख्या में लॉन्गिटिविटी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अपने आचार विचार में लाएंगे, वो औषधियों को हम अपने खान पीन में, अपने मसालों में, अपने आटे में और सब्जियों में इस तरीके से जो है ना उनको इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि स्वस्थ और दीर्घायु भी होंगे। हमारा जो CFB का वर्कर है उसको हमने मिनिमम जो है उसके लिए सोच कर रखा है कि वो 48,000 वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर उसे मिलना चाहिए। तो यदि एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो उस परिवार की परचेजिंग पावर 2 लाख रुपए पर मंथ होगी, वो भी गांव में, और उनको जाने के लिए बस की व्यवस्था होगी, उनके वहां पे क्रेच की व्यवस्था होगी, उनके खाने की व्यवस्था होगी और इंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था होगी। तो इतना मतलब हम, वो कहते हैं ना, वी वुड बी इन पोजिशन टू चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस नेशन, और अनफॉर्चुनेटली हम ये काले अंग्रेजों से नहीं कर सकते, राइट। तो
तो आप जो है देखिए किन किन किस तरीके से आप जो है ना क्या क्या आयोजित सर करना चाहते हैं। कहाँ पे स्टे करेंगे सर, किस जगह पे? ठीक अब वो जहां भी ठहरने की व्यवस्था होगी मैं आपको बता दूंगा, है सर। तो तो आप सर उसको 9 को ठहरने की वापसी व्यवस्था कब वो सब देगी सब आपकी? आप जो है ना ठहरने और ट्रांसपोर्ट की बात छोड़ दीजिए, उसको उसकी चिंता मत करके, आप केवल चिंता करिए इस बात की कि हम इस पीरियड का कैसे अधिक से अधिक उपयोग ठीक है सर। करें। नहीं सर, नाइन नाइन को सर कम से जितने भी कम हमारे वापसी जो है ना आपकी, 3-3 मीटिंग तो होना चाहिए, कम से कम 3 विजिट होना चाहिए, ऐसा 9 विजिट और कम से कम सॉरी 3 विजिट और कम से कम 9 या 10 मीटिंग उसमें हो जाती हैं, तो हम एक वो एनर्जी उसमें डाल पाएंगे जो हम चाह रहे हैं। और हम साथ में ये भी चाह रहे हैं कि हमें अब जो है 1 महीने के अंदर YouTube चैनल का प्रिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बेस जो है ना 1 करोड़ से ऊपर पहुंचाना है। तो इसके लिए मॉडल ये होगा कि हम अपने अपना वीडियो बनाएं, अपने प्रभावचेत, अपने घर वालों को, अपने उनको, अपने मित्र को, अपने एसोसिएट्स को, अपने सबॉर्डिनेट को, अपने प्रभाव क्षेत्र को, अपने जाति वालों को, जो जिस जहां जो समीकरण लग जाए उन सबको जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अपन कहें। और जैसे ही हम 1 करोड़ को क्रॉस करेंगे हम आसानी से वो कर सकते हैं। ये जो बाकी जो सर हमने नाइन प्रयोग नाइन को फुल डे हैं कि कैसे हैं आप? है 9 तारीख को कम अगेन मैं कह रहा हूँ सर, 9 दिसंबर को आप लखनऊ से वापसी कितने बजे की है? अच्छा आप मान लीजिए कि रात रात को हम रात को निकल जाएंगे वहां से, तो दिन में सर, एक अवेलेबल है, छोटा सा शाम सपोज को, शाम को आप मान आपसे लीजिए शेयर कर शाम रहा के बाद हम हूँ अवेलेबल नहीं। सर, एक छोटा सा वो चीज शेयर कर रहे हैं आपसे। एक्चुअली हाँ सर 9th को हमने जो है, एक है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, हाँ तो हमने कॉलेज में जो है एक वो रखी है उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है, और जिसमें आपने इनका नाम सुना होगा, AK शर्मा IAS रहे हैं, गुजरात में रहे मोदी जी के साथ, और काफी एनर्जेटिक हैं, और इस समय जो है वो MLC भी हैं, तो और जो है यूपी बीजेपी के वो भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उनको सर कॉल किया मैंने, तो कीनोट अच्छा स्पीकर अच्छा है ना, उसको हम भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे आपके। नहीं सर, कि आप भी तो आप एक फॉर्मल इनविटेशन मुझे ठीक उसमें उसके लिए एक फॉर्मल इनविटेशन भेजिए, मैं आपको फॉर्मल अपनी स्वीकृति भेजूंगा। है सर, ठीक है सर। हाँ मतलब जो औपचारिक चीजें तो औपचारिक तरीके से ही होना नहीं नहीं वो चाहिए। तो करेंगे सर, वो तो करेंगे ही करेंगे। मैंने कहा एक बार आपसे वो ले लूँ ना सर, कि आप हाँ मैं अवेलेबिलिटी दिन देख में लो। अवेलेबल हूँ, कोई इशू नहीं है ना। और इसके अलावा भी और क्या कर सकते हो, जरा दिमाग लगाओ। और आपका ठीक है जो है सर, ना ठीक है सर। आपके आपका क्षेत्र है तो जी। और क्या क्या कर सकते हैं वो भी सोचिए, क्योंकि जो है ना आई वांट कि इन 3 डेज का हम बहुत एकदम एक्शन पैक्ड जो है ना काम करें, जिससे कि बिल्कुल वो सर, बिल्कुल एनर्जी का बिल्कुल अपन सर, प्रवाह कर सकें। बिल्कुल और बिल्कुल सर, क्या बिल्कुल सर, बिल्कुल 2022 का जो चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते जी। हुए, मोदी जी को तो बाद में प्रभावित करेंगे, क्या अपन आदित्यनाथ योगी जी को प्रभावित कर सकते हैं क्या? और चूंकि शर्मा जी आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, उनके माध्यम से भी अपनी बहुत सारी पहले जो ना वहां पे औपचारिक चर्चा भी हो जाएगी, और थोड़े पहले आएंगे तो अनौपचारिक चर्चा भी उनसे करेंगे। शर्मा बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर, किस बैच बिल्कुल के बिल्कुल हैं? सर, ये जो है देखना पड़ेगा इनका जो है किस अच्छा बैच के हैं। रिटायरमेंट से पहले पीएमओ में थे ना सर, अभी ये ओके पीएमओ में थे, मोदी जी के काफी क्लोज हैं ये, तो इनको अभी जो है लास्ट ईयर ही मतलब वॉलंटरी अब यार रिटायरमेंट देखो लेके आ यार गए हमारा तो मोदी जी से भी जो है ना मोह भंग सा हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने ये। बहुत सारा जो है भ्रम फैलाया हुआ है, उनकी नियत भी साफ नहीं है। देखो जो डिमोनेटाइजेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ, जब जनधन योजना के तहत सभी के अकाउंट खुल गए थे तो कुछ थोड़े बहुत रह गए थे, उनको खुलवा के जो है सभी लोग एक्सचेंज का बिजनेस क्यों लाए, वो बदमाशी है। आपने एक के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, उससे ज्यादा पैसा आ गया है, हमारी इकोनॉमी जो है ना गड्ढे में चली गई है। आप कोरोना में देख लीजिए, जब अपन को ये मालूम पड़ गया है कि हम कोरोना वायरस को और बाकी सभी आने वाले उसके जो स्ट्रेन्स हैं उनको भी हम जब तोड़ सकते हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इस बात को जो ना नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। मैंने तो इसमें रिसर्च की हुई है ना पूरी, बेटे वहां की ट्यूबलाइट बाहर की ट्यूबलाइट भी गड़बड़ कर रही है, वो सब एक सब बाहर वाली भी उधर से आउटसाइड, तो वो आप जो है मुझे लगता है कि गड़बड़ तो बहुत सारा है। देखिए उन्होंने जो है पॉलिटिकल इंडिविजुअल बॉन्ड जारी किए
और वो भी एनोनिमस बॉन्ड जारी किए। जी 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 आपने 1,78,000 करोड़ रुपए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पर इंडस्ट्रीज के माफ कर दिए जी और जी उन्हीं से जी चंदा ले लिया। जी आपका जो जी जी पीएम जी रिलीफ फंड है, डिसास्टर फंड है, उसको आपने ओपेक रखा है। पब्लिक मनी है, ओपेक क्यों होना चाहिए? आपको जी जहां जी खर्च जी करें, लेकिन कम से कम दैट शुड बी अवेलेबल कि आप खर्च कहां कर रहे हो उसको। सही सही बात है सर, सही बात है तो सही ये बात छोटी छोटी चीजें जो है ना, जी 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 जो लोग बात कहते हैं कि अडानी और उनके बीच में खेल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, जी 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 लेकिन बहुत कुछ वो अच्छे निर्णय नहीं ले रहे। जी 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 और जी दूसरी जी बात है कि तंत्र को अकाउंटेबल बनाने के लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है। जी उसी जी 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 तंत्र की जो ना आप तारीफ करते रहते हैं, वो तंत्र जी भाई जी गन्ने पेरने की मशीन है, ये बात समझने में क्यों देर लग रही है? जी 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 आपने जी जी नियम कानून भी वही रखे, नियम कलश रखे, कोई जवाबदेही ही नहीं है। वो कुछ भी करें, निर्णय ना लें तो उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, विलंब से निर्णय लें तो उसकी जिम्मेवारी नहीं। यदि जी उनके निर्णय से किसी को नुकसान हो जाए तो भी उसकी कोई भरपाई नहीं है। जी 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 तो जी जी ये तो आपने एक निरंकुश शासन पैदा कर दिया है। और जी यदि जी आप जी कमिश्नरी सिस्टम भी पैदा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो आप ज्यादा पावर देके उसका दुरुपयोग करने की स्थिति ज्यादा पैदा कर रहे हैं। जी 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 उसको जी जी अकाउंटेबल बनाओ ना। जैसे जी कमिश्नर सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, उसमें जी जी सीनियर जी ऑफिसर्स का जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसको जी जो जी जी जितने भी अधिकार चाहिए किसी चीज को रोकने के लिए, जी जी क्रिमिनल्स को रोकने के जी लिए, जी उसका जी जी प्रभावी वो है। लेकिन उसके साथ जी साथ जी जो है ना अकाउंटेबिलिटी भी लाई जाए। जी 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 जैसे मेरा जी मानना जी है कि पुलिस विभाग से पुलिस शिकायत जो है ना विभाग एकदम बंद कर देना चाहिए, जी क्योंकि जी कानून में केवल दो चीजें हैं, या तो संज्ञेय या असंज्ञेय। जी संज्ञेय जी है तो मेरा अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, असंज्ञेय है तो आप मुझे कोर्ट जाने की जी सलाह देके 155 की एनसीआर की जी रिपोर्ट लिखी है। अब जी सवाल जी उठती है जी कि जी किसी ने मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो ये तो विजिलेंस का मामला हुआ ना, इसमें शिकायत कहाँ? जी जी आप जी चाहे जी उसके जी ऊपर रेड करिए, चाहे उसको जो है ना विभागीय जांच करिए, चाहे सस्पेंड करिए, उससे जी जी पूछिए आप उसको फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट क्यों लिखते हैं? उससे क्यों नहीं लिखते हैं कि मजनून से जो ना इन धाराओं का अपराध बनता है, कृपया स्पष्ट करें कि आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? जी 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 सही बात सर, हम जो है जब तक बहुत ठेठ बात नहीं करेंगे तो ये हमको ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। गोली चलती है, पब्लिक मर जाती है, ये कोई कमीशन बिठा देते हैं, वो कमीशन आज तक किसी को कोई सजा मिली है? कोई जेल गया आज तक? किसी को फांसी लगाई आपने? चाहे कितने भी लोग क्यों ना मर गए, तो जलिया वाला बाग का जो ना जनरल डायर ने जो किया, ये नया तंत्र जो कर रहा है, उसमें क्या फर्क है? नहीं, इस भाषा में हम कब बात करेंगे? सही बात है सर, सही करें आप। मेरे ख्याल से ये काले अंग्रेज जो कि ना ये सोच है। अच्छा, डेमोक्रेसी है नहीं, ये तो पार्टी क्रेसी है। पार्टी कमांड जो सोचेगी, आप उससे दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं, पॉलिटिकल व्हिप जारी हो गया है। आप पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के बाहर टीवी डिबेट वगैरह में भी आप पार्टी लाइन पे बातें कर रहे हैं। आपका मीडिया जो है वो पार्टी लाइन पे डिवाइडेड है, वो जो है जिसके फेवर में बोलता उसी के फेवर में बोलता है। तो एक स्वस्थ डिबेट कहाँ हो रही है? ये आई वो डोंट तो है नो ही आप सर। मेरी बात से किस हद तक सहमत हैं, नहीं सहमत हैं। नहीं सर, एग्रीड सर, एग्रीड हूं मैं। तो चलिए विवेक जी, हम लोग जो है अब जैसा है वैसा तो नहीं चल रहे, और उसका बड़ा साधारण तरीका है कि ना जो है ना रोड पे निकलना है, ना कुछ करना है, अपने घर से करेंगे अब काम अपन, है ना? हमारी संवाद का तरीका और लहजा अलग होना चाहिए और भाषा अलग होना चाहिए। भाषा में बहुत दृढ़ता दिखना चाहिए और सोच की स्पष्टता भी दिखना चाहिए, राइट? और प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे गेम बिल्कुल आप खेलते हैं तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है ना, ऐसे ही हम शासन को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के टास्क दें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, और ये बिल्कुल नहीं कहें कि 24 में देखेंगे, अभी देखेंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसी सरकार से 2024 के पहले सब काम कराए जाए, और यदि वो सब काम करता है करती है तो उसे थंपिंग मेजोरिटी के साथ उसको लाया जाए। अदरवाइज बाकी दुष्ट लोग तो जो है ना किसी भी प्रकार से जो ना जुड़ के सत्ता काबिज होना चाहते हैं। देखिए ममता बनर्जी ने क्या नंगा नाच किया है। नहीं वो तो है ही सर, अब सही आप बात। देखो देखो, और ये जो है ना मुसलमानों को कर रही है, वहां पे वहां से रोहिंग्यर को ले लिया, यहां से ये कर लिया है, कुछ भी हो रहा है, इनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता है। ये तो कैसे भी सत्ता में बने रहे, यही इनका धर्म है, और ये सभी पार्टी का यही धर्म है।
और सभी पार्टियां जो है ना उनको अपराधी अच्छे लगते हैं, अब इनको नहीं अपन बदल सकते हैं। तो मेरा सोचना ये है कि जो जिस तरीके से अपन चल रहे हैं, इस तरीके से अपन लगातार हर वीक में एक एक्टिविटी करेंगे, तो ये हमारा यदि ग्राउंड पर जो है एकता दिखाई देगी, यदि ग्राउंड पर जो है ना थालियां बजेंगी, यदि ग्राउंड पे दीपक बजेगा, और ग्राउंड पर जो है ना मोबाइल पे, टीवी पे, प्रोजेक्टर पे जो है मैथिली शरण गुप्त का जो मैसेज है, जो मांग है वो जाएगी, और इसके बाद हमारा जो नेगेटिव चीजें भी होंगी, ब्लैक झंडे और वो सब चीजें भी उसमें दी जाएंगी, तो हम धीरे धीरे उन्हें सही डायरेक्शन में सोचने के लिए भी विवश कर सकेंगे और उनको उनको काम करने के लिए भी मजबूर कर सकेंगे। ये काले अंग्रेज बिना मजबूर हुए ना तो अपने तंत्र को अकाउंटेबल बनाएंगे, देखने के लिए वोट बटोरने के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन उनका क्रियान्वयन हमेशा खराब है, और क्रियान्वयन करने वाले उसमें से अपने लिए मलाई भी निकालेंगे, है ना। तो हमें यदि हम इस तरीके से संवाद करेंगे तो हम बहुत कुछ जो है 2022 के पहले योगी जी से ही लेने की कोशिश कर ले, है ना, और 2024 के पहले जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी से लेने की कोशिश की जाए, है ना। आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल रखते हैं इत्तेफाक। चलिए, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम कामयाब होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल कामयाब होंगे। राइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद सर।